हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग इन किचन। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं बल्कि एक हेल्थ टिप शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसके पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी है मेरी। तो दोस्तों, इतने दिनों तक मैं जब भी सुबह उठता हूँ मैं एक गिलास कॉफ़ी पीता हूँ, क्योंकि बिना कॉफ़ी पिए मेरा दिन गुजरता नहीं है। लेकिन कुछ हफ्तों से मैंने कॉफ़ी की इस हैबिट को मैंने ओवरकम कर लिया है। तो पिछले दो हफ्तों से मैं सुबह उठते ही कॉफ़ी की जगह मैं दो गिलास पानी पीता हूँ और उसके बाद मैं एक गिलास करेले का जूस पीता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि करेले का जूस क्यों, क्या मुझे डायबिटीज़ है? नहीं दोस्तों, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, बल्कि जब से मैंने करेले के जूस का बेनिफिट्स मेरे को मालूम चला तब से मैंने कॉफ़ी पीना छोड़ दिया और मैंने इसको रिप्लेस किया करेले के जूस के साथ। तो मैं अभी दो हफ्तों से मैं सुबह रोज़ करेले का जूस पी रहा हूँ और मैंने सोचा कि चलो आपसे भी मैं करेले के जूस का बेनिफिट शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बेनिफिट्स करेले के जूस का। तो दोस्तों, करेले के जूस का सबसे पहला बेनिफिट जो आप सबको मालूम है कि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, इसलिए जो भी डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि करेले के जूस पीने से ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम रखता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे रिस्क को भी ये कम करता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को भी मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाई जाती है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव सोडियम होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि ये हमारे स्किन को बहुत ही खिला खिला रखता है। बिटर गॉर्ड जूस एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें कि विटामिन ए और विटामिन सी भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारे स्किन को एजिंग से और रिंकल से भी बचाता है, और अगर किसी को एक्जिमा या सोरोसिस की अगर बीमारी है तो वो करेला का जूस जरूर पिए। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए एक्जिमा या सोरोसिस के बारे में, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। करेले के जूस का फोर्थ बेनिफिट ये है कि ये लीवर को क्लीन करता है और जितना भी लीवर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको भी हटा देता है, तो ये लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। फिफ्थ बेनिफिट दोस्तों ये है कि ये वेट लॉस के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये आपके पेट को बहुत देर तक भरा रखता है, इसलिए आपको भूख नहीं लगेगी, इसलिए जो भी वेट लॉस प्लान में है उसके लिए ये करेला का जूस बहुत ही अच्छा होगा। सिक्स्थ बेनिफिट ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में सहायता करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट है जो कि हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है और बहुत सारी बीमारियों से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। करेले के जूस में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ये रहे दोस्तों करेले के जूस के बेनिफिट्स। मुझे यकीन है कि ये सारा बेनिफिट जानने के बाद आप भी करेले का जूस ज़रूर पियेंगे। तो दोस्तों, आपने तो करेले के बेनिफिट्स देख ही लिए होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो बोल के चला गया, अब ये पियेंगे कैसे क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप करेले के जूस से उसका कड़वापन हटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं करेले का जूस बिना किसी कड़वाहट के।